नमस्कार, खबर दिनभर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तीन करीबियों सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी ने उनके करीबियों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग सहयोगियों के जरिए मिल सकते हैं। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की 5 दिनों की हिरासत में है। ईडी ने संजय सिंह के तीनों ही सहयोगियों को बुलावा भेजा है। सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हुए। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने आज गाजीपुर लैंडफिल्ड का दौरा किया और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की तरफ से उनके आरोपों का जवाब दिया गया। कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ है, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है? इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिया, और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी एजेंसी। इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है, और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि ये कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सैफई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आपके सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी समेत अन्य एजेंसी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बीजेपी वाले समझ गए हैं कि उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं। मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है, और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है, और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है, और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है, और इसी उस पे वोट करने जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश की सारी संपत्ति को अपने अमीर दोस्तों को दे दिया है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए, उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया, आपके पास आए, आपकी समस्याओं को समझा। इंदिरा जी 1972 में बस्तर में आई थी, शायद आपने भी एक फोटो देखी हुई थी हुई होगी जिसमें वो नाच रही हैं कुछ आदिवासी बहनों के साथ। तो आपको याद है कि मेरे पिता और मेरी माता जी भी काफी बार बस्तर आए, जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे, क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का, कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है, घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा ने राहुल गांधी को रावण करार दिया है। राहुल की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर बीजेपी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा है कि राहुल गांधी का लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है। कांग्रेस ने आज बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को राहुल गांधी के साथ ही साथ राम और धर्म विरोधी बताया है। महबूबा मुफ्ती का साफ कहना है कि सनातन धर्म कभी इस तरह की चीजें नहीं सिखाता है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते हैं। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाते हैं कि आप अपने जो आपको अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं, आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को जिनको नौकरी नहीं दे पाते उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो, और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग, कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो? अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोड़ से पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को तेलंगाना में चुनाव पूर्व समीक्षा के लिए पहुंची, इसके बाद अब दिल्ली में शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सभी 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चर्चा है कि चुनाव आयोग इस शनिवार से सोमवार के बीच किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकती है।
अभी कुछ ही समय पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत ने निशाना साधा। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने ही अंदाज में अशोक गहलोत का नाम लिए बिना ही उन्हें जवाब दे दिया। मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती है। तो चूंकि राज्यसभा में शेर और शायरी होती है, तो रस्ते में मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी और मैंने कहा सबसे पहले आपसे साझा करूं। खता क्या की हमने पता ही नहीं, खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं। तो मेरा घर है, ये कैसा मंजर है समझ से परे है, ये कैसा मंजर है समझ से परे है। सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने के में, क्या जुर्म है पता ही नहीं। हमेशा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल अब एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका रिवॉल्वर है। दरअसल विधायक गोपाल मंडल पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उनके हाथों में एक रिवॉल्वर दिखाई दिया। हाथ में रिवॉल्वर लिए विधायक जी का वीडियो सामने आते ही चर्चा में आ गए। बता दें कि गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में अपनी पोती अवनी का सीटी स्कैन कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने उनके हाथों में रिवॉल्वर देखी। हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंचे विधायक गोपाल मंडल से जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिवॉल्वर हाथ में नहीं तो क्या कमर में रखेंगे। इसके बाद मीडिया ने जब उनसे इस बाबत सवाल पूछे तो वो भड़क गए और गाली गलौज पर उतर आए। क्या जरूरत नहीं, हम जैसे है ना मिलतवा, हम छूट गया रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। माइक तो नीचे रखी नहीं, माइक तो नीचे दबा यार, चेहरा देखो। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे पिस्टल लेकर लहराइए, लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे बाप साला। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। एशियन गेम्स के 13वें दिन भारतीय हॉकी टीम ने कमाल कर दिया। फाइनल मैच में जापान को 5-1 से हराते हुए एशियन गेम्स में अपना चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही साथ भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया। भारत की तरफ से मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित, रोहित दास और अभिषेक ने गोल किए। जापान पूरे मैच के दौरान एक ही गोल कर सका। पहले हाफ में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया और भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रमण करना जारी रखा। हालांकि जापान के डिफेंडरों ने भारत को गोल करने से रोका, लेकिन भारत ने पेनल्टी कॉर्नर का बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए मनप्रीत सिंह ने रिवर्स फ्लिंक करके गेंद को गोल पास में भेजा और भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। भारत की हॉकी ने आज एशियाई हॉकी के अंदर अपना दबदबा बनाते हुए भारत को एशियाई खेलों का जो हॉकी के अंदर है उसके अंदर चौथा मेडल दिलवाया सोने का। और हमारी टीम शुरू से ही जब यहां से गई थी भारत से, तभी से मुझे लगा था कि ये टीम एशिया के अंदर तो उसको तो ये मेडल जीतना ही चाहिए।
जिसका जिक्र मैंने एक हमारे खिलाड़ी या मेरे ट्रेनी रहे हैं विवेक सागर और नीलाकांत शर्मा, जो जब भी बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो उनका बड़प्पन कहूं या कि खिलाड़ी की भावना कि वो मुझे जरूर फोन करके मेरा आशीर्वाद लेते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं जा रहा हूं खेलने के लिए, तो मैंने उनसे एक बात कही कि हमारी भारत की हॉकी अब उतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि एशिया के अंदर हमें अपना वर्चस्व बनाना है, हमें अपने आप को टॉप पे रखना है और तुम्हें इसमें अपना बेहतरीन खेल दिखाना है तुम लोगों को, जिससे कि भारत की टीम जीते। और उन्होंने इस बात को पूरा किया। यूपी के शाहजहांपुर में किए जा रहे सड़क निर्माण में कथित तौर पर कमीशन न देने पर विधायक की गुर्गों ने साइट पर जाकर न सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों को पीटा बल्कि जेसीबी से आधा किलोमीटर तक सड़क को खोद डाला। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला शाहजहांपुर डीएम उमेश प्रताप सिंह के संज्ञान में आने के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज करने के बाद निर्देश जारी किए गए, लेकिन विधायक के करीबी होने के कारण पुलिस इस मामले में भी उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर पीडब्ल्यूडी विभाग से गोरखपुर के ठेकेदार को जैतीपुर क्षेत्र में 7 किलोमीटर टू लेन सड़क निर्माण का ठेका मिला, जिसकी लागत करीब 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। निर्माण के दौरान विधायक के करीबी ठेकेदार से कथित तौर पर कमीशन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ठेकेदार ने कमीशन नहीं दिया तो विधायक के करीबी साइट पर पहुंचे, लेवरों को जमकर पीटा और इसके बाद जेसीबी से सड़क तक खोद डाली। शराब नीति घोटाले को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ, जब से वह सत्ता में आए हैं तब से लगातार झूठ और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत ये लोग जेल जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है और यही वजह है कि उस पर कार्रवाई की जा रही है। डींग जिले के किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार विजन 2023 का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने की। इस दौरान राज्य सरकार के चहुंमुखी विकास सामाजिक सुरक्षा राजस्थान को 2030 तक देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार विजन 2030 पर चर्चा के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजन डीएम की अध्यक्षता में किया गया, जहां बहुत से लोगों ने भाग लिया। फिलीपींस में एमडी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का करियर नेशनल मेडिकल कमीशन की 25 मार्च 2022 को जारी एक नोटिफिकेशन के कारण प्रभावित हो रहा है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावक ने जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने मांग की है कि मामले का जल्द से जल्द भारत सरकार संज्ञान ले और 25 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन वापस ले। ये नोटिफिकेशन न केवल छात्रों के कोर्स की अवधि बढ़ाता है बल्कि अभिभावकों को प्रतिवर्ष लगभग लाखों का अतिरिक्त खर्च भी वहन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे देहांत के बाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अनिल दोहरे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि अखिलेश यादव पूर्व विधायक के नसरापुर स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यहां के विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है, इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, उनके पिताजी से लेकर वह खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार जनता के लिए सेवा में आगे आते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदार निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है, इनकी भरपाई नहीं हो सकती। उत्तर मध्य
कमान बमरौली में वायुसेना की योद्धाओं ने 8 अक्टूबर को एयर शो के पहले रिहर्सल किया। बता दें कि जिसमें पैरा हेड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा से 360 डिग्री पर हवाई करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की। इसके साथ ही साथ कुछ देर तक हवा में उड़ते हुए इसके बाद में योद्धा पैस मोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में नजर आए। इसके बाद पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।